गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द पर्की पलक। सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट्स दिस ऑल वीडियो इज अबाउट। सो लेट मी रिव्यू दिस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, प्रोडक्ट कॉल्ड टेम्पे फ्रॉम द ब्रांड ऑफ हेलो टेम्पे। सो व्हाट इज टेम्पे? मैंने भी अभी इस प्रोडक्ट के बारे में नया नया सुना है और व्हेन आई रिसर्च इट्स मेड फ्रॉम द फर्मेंटेड होल नॉन जीएमओ सोयाबीन्स। सो इट्स फार बेटर देन द नॉर्मल सोयाबीन दैट इज प्रेजेंट इन द मार्केट एंड वेरी रिच इन प्रोटीन, लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो इन फैट। दिस प्रोडक्ट है जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांसफैट एंड 35% ऑफ प्रोटीन विच इज वेरी गुड अमाउंट। सो जो लोग जिम जाते हैं, वेट कॉन्शियस भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं और पनीर खा के काफी बोर हो चुके हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है हेलो टेम्पे का सोयाबीन, बिकॉज दिस इज हाई इन प्रोटीन एंड जिम जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। सो दिस इज द थ्री ब्रांड्स आई पिक फ्रॉम द हेलो टेम्पे एंड विच सीम्स द टेस्टीएस्ट एंड द हेल्थीएस्ट हेलो टेम्पे प्रोटीन। एंड दिस ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर द मैरिनेटेड, सो आपको उसको मैरिनेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके नॉन मैरिनेटेड भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्हें आपको पहले मैरिनेट करना पड़ेगा, बट दिस थ्री आर द मैरिनेटेड। सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट कुकिंग। वाले हैं हेलो टेम्पे तवा मसाला टेम्पे क्यूब से बिरयानी। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। सो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ फॉर फ्राई एंड इसके बाद हम डालेंगे टेम्पे के क्यूब। तो अभी अगर आपको और कुछ भी डालना है इसमें तो आप वो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम डालेंगे टेम्पे के तवा मसाला क्यूब, इसको हम थोड़े फ्राई करेंगे देन उसमें फिर राइस, इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो अभी ये फ्राई हो चुके हैं, ऑलमोस्ट उसे लगेगा 4 to 5 minutes फ्राई होने में। अभी हम इसमें राइस डालेंगे एंड 5 minutes में रेडी हो जाएगी हमारी डिश। नाउ इज द मेन टाइम, इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 टू 15 मिनट्स में रेडी हो गया एज इट वॉज ऑलरेडी मैरिनेटेड। अगर मैरिनेटेड नहीं होता तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता था क्योंकि हमें मैरिनेट करना पड़ता पहले। नाउ अब वेट नहीं हो रहा, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, लेट्स ट्राई इट आउट। काफी अच्छा है, मीन्स टेस्ट वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है। जो उसके टेम्पे क्यूब्स हैं जो हमने फ्राई किए थे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, च्यू करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती जो नॉर्मल सोयाबीन्स में होती है। इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं अगर आप च्यू करते हो तो, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है। लग नहीं रहा कि हमने ऐसे 10 to 15 minutes में बनने वाली डिश है, काफ़ी अच्छी लग रही है। सो अभी हमने डिश फ्राई करी जो कि काफ़ी टेस्टी थी एंड मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे प्रोटीन की काफ़ी नीड होती है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। सो मैंने तो टेम्पे प्रोडक्ट के साथ बिरयानी बनाई और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने टेम्पे के साथ कौन सी डिश ट्राई की है। और टेम्पे की ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, अगर आपको टेम्पे के प्रोडक्ट्स कोई भी खरीदने तो आप ऑफिशियल लिंक पे क्लिक कीजिए और बाय कीजिए, तो ये प्रोडक्ट्स के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियो और भी देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम इस तरह की वीडियो और भी बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।